पर हमेशा से समाजवादी पार्टी का गहरा असर था, लेकिन पिछली बार कुछ कमजोरी हुई, कुछ गलती हुई मीरापुर से और वोट बटा, जिसका नुकसान हुआ, जबकि पूरा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के साथ था। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीता, लेकिन इस बार लोगों को गलती का अंदाजा है और लोग जो है पूरे मुत्तहिद होके एक तरफा वोट डाल रहे हैं और सभी बिरादरियों का वोट मिलेगा समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी कामयाब होगी, क्योंकि लोगों को अंदाजा हो गया है कि आने वाला दौर समाजवादी पार्टी का है और 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे समाजवादी पार्टी को, क्योंकि ये तो इन्होंने बौखलाहट मिटाई है, इससे साफ जाहिर हो गया, पब्लिक को पता लग गया कि बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी को हार नजर आ रही है, 9 की 9 सीटें जाती नजर आ रही है, इसलिए उन्होंने इलेक्शन आगे बढ़ाया। खुद महाराष्ट्र में हर जगह उनको हार होने वाली है, झारखंड में उनकी हार होने वाली है, इसलिए घबरा के उन्होंने ये काम किया है। लेकिन इस तरह की बातें जनता समझती है, समझती है कि इस तरह की चीजों से कोई फायदा होने वाला नहीं, इससे कोई वोट मिलने वाला नहीं। इतने सारे मुस्लिम प्रत्याशी इस टाइम मैदान में है, उन्होंने मुस्लिम वोटरों को कंफ्यूज कर दिया है। ऐसा है, हमेशा होते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर कंफ्यूज नहीं होता, वो आखिर में जाके एक तरफा वोट डालता है, थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ी देर के लिए मोहब्बत में, भाईचारे में और किसी नाराजगी में, गुस्से में लोग इधर उधर बात करते हैं, लेकिन आखिर में जाके अकल और शऊर का इस्तेमाल करते हैं। और मुस्लिम वोटर की बात नहीं, आजकल सब बहुत समझदार हो गए हैं, लोगों में एक मिनट में खबर पहुंच जाती है, एक मिनट में हर चीज मिल जाती है, तो वो जमाना नहीं रहा कि लोग धोखा खाएं और किसी गलतफहमी का शिकार हों। राणा परिवार ये बहुत समय से राजनीति में है और उसके लिए एक यहाँ पे प्रभाव है, लेकिन अब लोग कैंडिडेट कम देखते हैं, बहुत सारे इलाकों में तो कैंडिडेट को जानते ही नहीं कि कौन है कैंडिडेट। अच्छा, अब तो पार्टी देखी जाती है, तो समाजवादी पार्टी तो नई है नहीं, समाजवादी पार्टी बहुत पुरानी है, कुछ कादिर राणा भी बहुत पुराने हैं, राणा परिवार भी बहुत पुराना है, मैं भी बहुत पुराना हूँ, मैं आके वोट मांग रहा हूँ पुराने एक साथी की हैसियत से, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी की छुट्टी हो जाएगी, दिल्ली में इंतजार में बैठे हैं कि योगी को कैसे हटाएं, योगी की अपनी पार्टी में, बाहर से नहीं मैं कहता। बड़ी होशियार होगी जनता, भाई भतीजा बाद में मोहब्बत में बिरादरी में वोट नहीं डालती, अब जनता बड़ी राजनीति देखती है। वोटरों को मेरा एक संदेश यह है कि ईमानदारी से एक होके वोट दो, और ये जो अंधेरा फैल रहा है, इस अंधेरे के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, क्योंकि सवाल किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, सवाल हिंदुस्तान का है, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त खतरे में है, नौजवान खतरे में है, रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी ज्यादा है, किसान की हालत खराब है, महिलाओं की हालत खराब है, गैस के सिलेंडर जो 400 में था आज 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर है, आज कौन सी चीज है जो मिल रही है, लोग हाहाकार मची हुई है। तो इस वक्त अगर आप एक एक झटका देते जाओगे तो ये धड़ाम से ये इमारत जो है बड़ी कमजोर हो गई है, पता नहीं किस वक्त गिर पाए, इसलिए आप झटके देते रहिए, एक धक्का और दो, ये जो इलेक्शन है एक धक्का और होगा, और उधर महाराष्ट्र में हार होने वाली है, झारखंड में हार होने वाली है, तो ये काफी झटके लगने वाले हैं मोदी सरकार को भी और योगी सरकार को भी, और नतीजा ये होगा कि आने वाले वक्त में इनका, इससे पहले कि अगला चुनाव आए, हो सकता है उससे पहले ही नीचे आ जाए।